यस बेटे, दिस इज योर सेकेंड वीडियो ऑफ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स फॉर ग्रेड सिक्स्थ. इट इज पेज नंबर 218, ओके, एंड मॉड्यूल फाइव का पेज नंबर 218 है. और हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स कर रहे हैं, इसमें हमें फोर्थ टाइप डिस्कस करनी है. लेट्स डू इट आउट. अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जिसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स भी कहते हैं. ये एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं एग्जैक्ट नाउन के ऊपर. ठीक है, पॉइंट आउट लाइक दिस दैट दीज दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. दिस दैट दीज दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. अंडरस्टैंड बेटे, ये चार जो होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. और वो आंसर किस क्वेश्चन को करेंगे, विच वन, कौन सा. अगर कौन सा बात करेगा, सपोज मैं दिस बुक की बात कर रही हूं, ये वाली बुक, तो दिस जो वर्ड है वो हमें बताता है कि यह है बुक. ओके, अब आपको पता है ये फोर वर्ड्स हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं, दिस दैट दीज दोज. दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है, दीज और दोज प्लूरल के लिए यूज होता है. सिंगल अगर पास कोई चीज हो तो नियर, मतलब कोई चीज पास हो तो हम वहां पे लगाते हैं दिस या दीज. अगर कोई चीज दूर हो तो हम लगाते हैं दैट या दोज. सिंगुलर के लिए दिस दैट, प्लूरल के लिए दीज दोज. तो नेक्स्ट देखिए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है बेटे, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन. इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन. तो वो सारे डब्ल्यू एट वर्ड जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, विद रेफरेंस टू पर्टिकुलर नाउन, तो वो सारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में आते हैं. जैसे कि विच, हुज, व्हाट. अब देखिए, विच फिल्म, फिल्म क्या है, नाउन. हुज आइडिया, आइडिया क्या है, नाउन. व्हाट नॉइज, नॉइज क्या है, नाउन. तो नाउन से पहले जो भी एडजेक्टिव है वो क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. तो यहां पे देखिए लास्ट है हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव. पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है देखिए जरा. अ पॉजेसिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट शोज दैट अ सर्टेन थिंग और पर्सन बिलोंग्स टू समबडी और समथिंग. कि जो थिंग है या पर्सन है वो किसका है, ठीक है, बिलोंगिंगनेस की बात होती है बेटे. किसकी होती है, बिलोंग्स की, कि कोई चीज किसकी है. जैसे कि माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर आर पॉजेसिव. ये सारे पॉजेसिव होते हैं, ठीक है बेटे. पॉजेसिव का मतलब है तो किसकी चीज है, ठीक है, या थिंग किसकी है या पर्सन किसको बिलोंग करता है. यहां पे देखिए, आई मस्ट डू माय ड्यूटी. किसकी ड्यूटी, माय, माय ड्यूटी, दिस इज नाउन. माई ड्यूटी, योर ड्यूटी, हिज ड्यूटी, आवर ड्यूटी, देयर ड्यूटी, हर ड्यूटी, ना, हर बैग, हिज बायसाइकिल, योर पेंसिल, माई शॉर्पनर. सो दीज आर द वर्ड्स विच टेल्स दैट थिंग्स बिलोंग टू हुम. अंडरस्टैंड, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस. वॉट इज नोट सेज, डू नॉट यूज एनी अपोस्ट्रॉफी एस विथ दीज पोजेसिव्स. इन पोजेसिव्स के साथ कभी भी अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते. जैसे कि योर लगाया है, ऐसे योर लिखा है, तो आप उसके साथ अपोस्ट्रॉफी एस मत लगाना, ठीक है, वो नहीं होता है ऐसे, वो एडजेक्टिव नहीं होते हैं. द ओनली एक्सेप्शन इज कि जिस एक ही सिर्फ चीज है जिसके साथ अपोस्ट्रॉफी एस लगता है, जो कि एडजेक्टिव भी काउंट होता है, दैट इज वन, तो उसको हम वंस कहते हैं. अंडरस्टैंड, दिस इज द एंड ऑफ वीडियो. आई एम गोइंग टू मेक द अदर वीडियो ऑफ एडजेक्टिव ऑल्सो. थैंक यू.